ने मन बना लिया है और जनता का मन है, वो 14 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और भारी बहुमत की इस बार ऐसी सरकार बनाएंगे जो मोदी जी के नेतृत्व में चले और मोदी जी के साथ चले। रामनगर पहुंचे हैं सर, लगातार आप उत्तराखंड के दौरे पर हैं, किस तरीके से सर भाजपा को इस समय देखते हैं, क्योंकि लगातार रण जारी है और दोनों ही पार्टियां क्षेत्र में हैं। हम आश्वस्त हैं, कोई पार्टी हमारे सामने नहीं है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है और हम 60 सीटों पर जीत रहे हैं। हमने जो नारा दिया है आपकी बार 60 पार, वो नारा हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से साकार रूप ले रहा है, पूरा हो रहा है। सर हरीश रावत कह रहे हैं कि जो आपने 60 पार का नारा दिया है वो तड़ी पार जनता करने वाली है, उस पर आपकी क्या राय? उनको तो उनकी पार्टी ने ही तड़ी पार कर दिया है। सर साथ ही बात करें, कई निर्दलीय जो है आपके जो बागी लोग हैं वो पार्टी को डैमेज करने का काम कर रहे हैं, उसमें किस तरीके से निपटेंगे? हमारी पार्टी बहुत कैडर आधारित पार्टी है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और जनता ने मन बना लिया है और जनता का मन है, वो 14 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और भारी बहुमत की इस बार ऐसी सरकार बनाएंगे जो मोदी जी के नेतृत्व में चले और मोदी जी के साथ चले। धन्यवाद सर। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और आज रामनगर पहुंचे। साथ ही उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं इस बार फिर से भाजपा सरकार बनने जा रही है। राहुल सिंह, उत्तराखंड तक, रामनगर।